गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर तो जिहड़े विद्यार्थी ग्रैजुएशन का एडिशनल पेपर देना चाहते हैं जां बीएड का एडिशनल पेपर देना चाहते हैं लास्ट डेट पूछ रहे सन फॉर्म फिल करने हजे शुरू नहीं होए अज ही फोन करके मैं सारा कुछ पता किया सी। हाँ, लास्ट डेट फॉर्म फिल करन दी जरूर दित्ती गई है 25 सितंबर है। सो एक दो दिनों विच फॉर्म भी आ जाएंगे, वैबसाइट पर अवेलेबल सब कुछ होएगा। होर एक जानकारी है कि जिहड़ा अदर यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थी की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी विच पेपर अडिशनल दा बीए दा दे सकते हैं। सो ये जानकारी पहला पिछली वीडियो विच नहीं है, वो वीडियो जिस विच गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी विच अडिशनल पेपर किस तरह देना है नीचे लिंक दिता गया होएगा, वो देख सकते हो। अच्छा, अज जिहड़ी जानकारी मिली है वो ये है, देखो जो जानकारी मिलती है मैं थोड़े ना शेयर कर लेना हाँ। उन्होंने कहा है कि इलेक्टिव पंजाबी का जो पेपर है किसी होर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने देना है ये पेपर, वो दूसरी यूनिवर्सिटी अदर यूनिवर्सिटी का गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी विच दे सकता है, लेकिन बाकी जिहड़े एग्जाम हैं वो जिन्होंने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो ग्रैजुएशन जां पोस्ट ग्रैजुएशन की है वो ही दे सकते हैं, वो कोई भी दे सकते हैं। जिमें असी जान के आए से पंजाब यूनिवर्सिटी विच एडिशनल पेपर जिहड़े ग्रैजुएशन दे ने वो सिर्फ लैंग्वेज दे हुंदे ने हिंदी पंजाबी इंग्लिश वगैरह है ना, लेकिन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी विच लैंग्वेज दे नाल नाल सोशल साइंस साइंस दे सारे पेपर हुंदे ने। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लई जिहड़ी प्रॉब्लम आती है कि कॉलेज तो 75% तुहानू चाहिए है, हर हालत में अटेंडेंस चाहिए है, ये जानकारी पिछले वीडियो मैं डिटेल दे के आया हाँ, वो उत्थे तुसी देख सकते हो। सो इलेक्टिव पंजाबी करना चाहते हो दूसरे कॉलेज तो सॉरी यूनिवर्सिटी तो पढ़े हुए हो माइग्रेट हो के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी विच बी एड कर आए हो तो बी एड के नाल नाल ही तुसी जे पंजाबी दा देना चाहते हो उन्हां विद्यार्थियों लिए जानकारी जरूरी है। पर एक इस तो इलावा फिर भी तुहानू एक बार फोन करके एडमिशन लैन तो पहला वीडियो देखने तो ईवन बाद भी फिर भी एक बार फोन करके इनक्वायरी का नंबर नीचे दे देंगा पूछ लेना चाहिए है। सो ड्यूरिंग बी एड असी की बी ए दे एग्जाम दे सकते हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी चो, आंसर सेम है जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का है क्योंकि विद्यार्थी खुद बी ए दे एग्जाम भरिया है इसलिए उसकी जिम्मेवारी होएगी, कलैश की पॉसिबिलिटी है अजे ही संभावना दे विच उसनू बी ए नू प्रैफर करना होएगा क्योंकि इको बारी विच तुसी ये 6 दे 6 पेपर तीन जिहड़े एक सैम विच हुंदे हन सैम ये मैं पिछे दसाया हाँ सैम फस्ट विच जिहड़े है दिसंबर विच है ये होणगे फस्ट सैम दे थर्ड सैम दे और फिफ्थ सैम दे और फिर जून विच जिहड़े होणगे वो होणगे 2 4 6 ये सैम दे होणगे ठीक। सो दो सेमेस्टर विच बी ए दे तुहाडे हो सकते ने, कलैश की जिम्मेवारी जे बी एड नाल इसका कलैश कर देता है तुहाडी जिम्मेवारी होगी नैचुरली कलैश करता है बी एड तो छड्डना पेगा बी ए चाहना पेगा और बी ए दे पेपर बाद विच तुहानू सप्ली फॉर एग्जाम्पल तुसी ए बी एड शुरू की है इत्थे बी एड का पहला साल खत्म होया है इत्थे दूसरा इत्थे सैम सैम खत्म होया 4 सैम का पीरियड है फॉर एग्जाम्पल हुणे तुसी इत्थे भर दित्ती इत्थे कलैश भरिया है इत्थे कलैश हो गया है ना इत्थे तुसी बी एड का जिहड़ा पेपर है और ड्रॉप कर दिता है यही पेपर फिर इत्थे जाके दोबारा होएगा साल दे वितकरे तो बाद इत्थे जो दोबारा होएगा तुसी बी एड का दोबारा पेपर दे सकते हैं इट मीनस बी एड करते करते ही दूसरा पेपर तुसी दे सकते हो। सो कलैश दे विच ये है, होर कोई जानकारी होवे तुसी यूनिवर्सिटी तो डायरैक्ट पुछ सकते हो। थैंक यू।